तो गाइस आज के इस वीडियो में हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं एक मदरबोर्ड का जो कि आता है जेबरोनिस की तरफ से, जेब S61 मदरबोर्ड, जो कि काफी अच्छा मदरबोर्ड है, काफी बजट में आता है। पर्सनली मैंने इस मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग कर रखी है, अगर आपको उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब कि मदरबोर्ड अपने साथ क्या क्या लाता है, तो उसी के बारे में आपका बताने वाला हूँ। जैसे कि आप इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसर लगा सकते हो, कितने जनरेशन के आप इसके अंदर प्रोसेसर लगा सकते हो, कितनी लास्ट आप इसके अंदर रैम लगा सकते हो, कितनी DDR की रैम आप इसके अंदर लगा सकते हो और कितनी फ्रीक्वेंसी की आप इसके अंदर रैम लगा सकते हो, कितने SATA पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, कितने डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और कितनी USB देखने को मिल जाती हैं, क्या आप इस मदरबोर्ड के अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो या नहीं, तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। ओवरऑल मैं आपको इस मदरबोर्ड की सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है इस मदरबोर्ड के बारे में या आपको परचेस करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप इस मदरबोर्ड के साथ हाई एंड गेम्स को प्ले कर सकते हो या नहीं, तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस पार्ट को जरूर देख के जाना। तो गाइस मेरा नाम है लवली और आप देख रहे हो स्क्रैच टेक, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी PC रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करी जाती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी PC टच कंटेंट में तो क्या कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बेंचमार्क और बजट PC बिल्ड करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगती है या आपकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले इस मदरबोर्ड के चिपसेट की। तो जो मदरबोर्ड है ये H61 चिपसेट के साथ आता है। गाइस अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर की, मतलब कि मदरबोर्ड कितना बड़ा है, इस मदरबोर्ड का साइज क्या है। तो इस मदरबोर्ड का जो साइज है वो माइक्रो ATX है। अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड के प्रोसेसर सॉकेट की। तो इस मदरबोर्ड के साथ आपको जो सॉकेट मिलता है वो LGA1155 सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं आप इस मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से प्रोसेसर लगा सकते हो और कितने जनरेशन के प्रोसेसर आप इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो। तो आप इसके अंदर डुअल कोर प्रोसेसर लगा सकते हो, Pentium के प्रोसेसर आप इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो, i3 और i5 और i7 प्रोसेसर आप इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो, वो भी सेकंड और थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर आप इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो। मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप प्रोसेसर लेने जा रहे हो इस मदरबोर्ड के लिए तो आपका जो प्रोसेसर है वो LGA1155 सॉकेट का होना चाहिए, तभी आपका जो मदरबोर्ड है उस प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा। तो गाइस आप बात करते हैं इस मदरबोर्ड के रैम सेक्शन की। तो आपको इस मदरबोर्ड के अंदर 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप लास्ट 16 GB रैम लगा सकते हो। आप 16 GB से रैम ऊपर इसके अंदर नहीं लगा सकते हो, आप चाहो तो 16 GB से रैम नीचे लगा सकते हो, बट आप ऊपर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इस मदरबोर्ड के अंदर आपको जो सपोर्ट मिलता है वो सिर्फ 16 GB का ही देखने को मिलता है। तो गाइस ये जो मदरबोर्ड है ये DDR3 के रैम को सपोर्ट करता है, आप इसके अंदर DDR1, DDR2 या DDR4 के रैम आप इसके अंदर नहीं लगा सकते हो। ये जो मदरबोर्ड है ये सिर्फ DDR3 के रैम को ही सपोर्ट करता है। तो गाइस अब बात करते हैं ये मदरबोर्ड कितनी लास्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। तो जो लास्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है 1600 मेगाहर्ट्ज के सपोर्ट करता है। तो गाइस आपको इस मदरबोर्ड के अंदर डुअल चैनल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप इस मदरबोर्ड के अंदर 88 GB की 2 स्टिक लगाते हो तो आपको डुअल चैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, या फिर 4 GB की 2 स्टिक लगाते हो या 2 GB की 2 स्टिक लगाते हो तो आपको डुअल चैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस मदरबोर्ड के अंदर। तो गाइस आपको इस मदरबोर्ड के अंदर 6 USB देखने को मिल जाती है, तो वो जो USB है वो 2.0 Gen की देखने को मिल जाती है। तो गाइस आप बात करते हैं इसके SATA पोर्ट की, तो टोटल आपको 4 SATA पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप 2 हार्ड डिस्क या 2 SSD लगा सकते हो, या फिर 4 हार्ड डिस्क या फिर 4 SSD लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हो। तो 4 SATA पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आप बात करते हैं इसके डिस्प्ले पोर्ट की, तो टोटल आपको 2 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाते हैं इस मदरबोर्ड के साथ। पहला आपको एक VGA पोर्ट देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत ही कम मदरबोर्ड है जो कि इतने कम प्राइस पॉइंट पे रहते हुए आपको एक HDMI भी प्रोवाइड करें, पर जो जेबरोनिक्स है वो आपको HDMI भी प्रोवाइड कर देती है। तो गाइस आपको इस मदरबोर्ड के साथ 3 ऑडियो पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी ऑडियो को इन या आउटपुट करोगे। तो आपको इस मदरबोर्ड के साथ 2 फैन कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपने यार एक्सटर्नल फैन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो।
अगर बात करते हैं इसके साउंड की, तो इस मदरबोर्ड के साथ आपको इंटीग्रेटेड साउंड देखने को मिल जाते हैं, तो आपको अलग से साउंड कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इसी के साथ साउंड देखने को मिल जाते हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो 6 चैनल HD ऑडियो आपको निकाल के दे देते हैं, तो आपको इस मदरबोर्ड के साथ HD ऑडियो देखने को मिल जाती है। तो गाइस आपको इस मदरबोर्ड के साथ AMI BIOS देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके के BIOS आपको इसके साथ देखने को मिल जाते हैं, आप इमेज अपने सामने देख सकते हो। तो गाइस आपको इस मदरबोर्ड के साथ एक LAN पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, नॉर्मली बात तो आपको हर एक मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना इंटरनेट चला सकते हो। तो गाइस आपको इस मदरबोर्ड के अंदर एक PCI Express 1 का स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपना साउंड कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड लगा सकते हो। तो गाइस आपको इस मदरबोर्ड के अंदर एक PCI Express 16 का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। जी हाँ, आप इस मदरबोर्ड के साथ एक ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो। GT सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड आते हैं या GTX सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड आते हैं, आप उन ग्राफिक कार्ड को इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो। और आपको ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने, मतलब कि आप इस मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से ग्राफिक कार्ड्स लगा सकते हो और कौन कौन से नहीं, आप फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको 101% रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर जितनी भी बातें थी इस मदरबोर्ड से रिलेटेड वो सभी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप इस मदरबोर्ड के साथ हाई एंड गेम्स को प्ले कर सकते हो या नहीं। जी हाँ, आप इस मदरबोर्ड के साथ हाई एंड गेम्स को प्ले कर सकते हो, क्योंकि इस मदरबोर्ड के साथ आपको i7 और i3 और i5 प्रोसेसर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इन प्रोसेसर के ऊपर आप यार इजीआर गेमिंग कर सकते हो। आपको इस मदरबोर्ड के साथ 16 GB रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो जो मॉडर्न गेम है वो 8 GB रैम पर भी चल जाते हैं, तो आप इसके अंदर 16 GB रैम लगा सकते हो, तो आप इस मदरबोर्ड के साथ इजीली हाई एंड गेम्स कर प्ले कर सकते हो, जैसे कि GTA 5 खेल सकते हो, साइबरपंक हो गया, पबजी PC हो गया, पबजी मोबाइल हो गया, ये सारे गेम आप इस PC बिल्ड के साथ खेल सकते हो, वो जो हाई एंड गेम्स है उनको भी इजीली प्ले कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये मदरबोर्ड पसंद आया होगा, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी है या आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी टेस्ट कंटेंट में, तर क्या कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बेंचमार्क और बजट PC बिल्ड करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में, तर क्या कर रहे हो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।